हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एनआईओएस डीएलएड के साथ अन्याय हुआ है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, हर कोई जानता है कि यह अन्याय है, एक लापरवाही है जो कि एनसीटी और सरकार की तरफ से हुई है और जिसका भुगतान ये बच्चे कर रहे हैं। कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें भी जो है डर लगा हुआ है और कुछ की तो पूरा सर्टिफिकेट ही रद्दी कर दिया गया है, तो नौकरी के वेट में है, सभी के सभी चिंतित है। तो इसी से रिलेटेड आज मॉर्निंग में हमने आपको एक वीडियो दिया था जिसपे आप लोग कमेंट कर रहे हो और जिसके थ्रू आप हमें मैसेज भी कर रहे हो। आप लोग ये पूछ रहे हो कि हमें कब और कैसे कहाँ जो है दिल्ली में जाना है ये बताइए। तो जैसे हमने आपको बताया है कि 18 तारीख को, 18 दिसंबर को एनआईएस डीएलएड के सभी बच्चे जो है इकट्ठा हो रहे हैं दिल्ली में। कहाँ जाना है इसके बारे में और कब जाना है, कितने बजे पहुंचना है, ये सारी चीजें जो है आप लोग लगातार मैसेज से हमें पूछ रहे हो। तो इससे रिलेटेड जो है एक अपडेट अभी नंदन बोहरा जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला हुआ है, एक वीडियो डाला है, उसी वीडियो के थ्रू आप सुन लीजिए कि आपको कहाँ और कब जाना है और कहाँ इकट्ठा होना है दिल्ली में। ये सबसे इंपॉर्टेंट और टाइम भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा और ये कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एक साथ इकट्ठा होना, वहां पर अपनी बातों को रखना, ये सारी चीजें इस वीडियो के थ्रू जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब आप ये वीडियो देखेंगे नंदन बोहरा जी। मित्रों, जैसा कि एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए आह्वान किया था 18 तारीख दिसंबर को, आप सभी लोग दिल्ली में माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के आवास पर उपस्थित हुए और मेरे द्वारा आप लोगों को यह भी अवगत करवा दिया गया था कि यदि इस बार आपकी संख्या तकरीबन 1500 के लगभग होगी तभी मेरा वहां उपस्थित हो पाना सार्थक है, तभी हम अपने उद्देश्यों में सफल भी हो पाएंगे, जिसके लिए अभी तक मुझे आप के द्वारा कोई अपडेट आया नहीं है कि कितने लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। यदि आप लोगों की संख्या का मुझे ये पता चलता है, जो कि मैंने आप लोगों से मांग कर रखी थी कि 1500 की संख्या न्यूनतम वहां पर पहुंचनी चाहिए, तभी मैं दिल्ली पहुंच पाऊंगा, अपने घर से निकलूंगा। दूसरी बात, हमको वहां माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के समक्ष अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, सुबह 7:30 बजे उनके आवास पर पहुंचना होता है क्योंकि वो जल्दी ही पार्लियामेंट के लिए निकल जाते हैं, तो इसलिए प्रातः सुबह 7:30 बजे से हमको उनके आवास पर रहना है। दूसरी बात, लोगों की मंशा है यह जानने की कि क्या हमको वहां आंदोलन करना है, धरना देना है, तो सभी लोगों को मैं इस बात विषय में भी अवगत करवा दूं, हमको कोई भी धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं करना है। कानून के तहत, कानूनी तौर पर हमको अपनी बातें एक शिष्टाचार के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के समक्ष रखनी है कि वह 22 सितंबर 2017 को एनसीटी ने पार्लियामेंट में बिल पास होने के बाद एनआईएस डीएलएड को वैलिड करार दिया था और उसके लिए भारत सरकार के प्रेस डिपार्टमेंट के प्रबंधक को एक पत्र लिख करके ये कहा था कि इसका राजपत्र जारी किया जाए, इसके लिए आदेश किए थे और राजपत्र जारी होने के बाद वो एक कानूनी रूप में आ जाता है। एनसीटी की यह त्रुटि रही कि वह प्रिंटिंग प्रेस का कार्य, जो पब्लिकेशन का कार्य होना चाहिए था, वह कार्य नहीं हुआ, जिसके वजह से हमको कानूनी अड़चन आई और जिसके वजह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे खिलाफ निर्णय दिया। तो हमको ये बातें विनम्रता के साथ आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के समक्ष रखनी है